आज भाई बहन के बीच प्रेम का प्रतीक माने जाने वाले रक्षाबंधन का त्योहार है और इस पर्व को लेकर प्रदेश भर के सभी बाजारों में राखियों की चमक से रौनक देखने को मिल रही है। प्रदेश भर में भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की थीम है और इसके साथ ही कोरोना काल के घटते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने रविवार लॉकडाउन को हटाने का भी फैसला लिया है। ऐसे में रक्षाबंधन के मौके पर बाजारों में रौनक और बढ़ गई है। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल ऑनलाइन राखी का त्योहार मनाने वाली बहनें इस बार भाई की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार पूरे रीति रिवाज के साथ मना रही हैं। योगी सरकार ने हर साल की तरह इस साल भी राज्य की महिलाओं को फ्री बस सेवा की सौगात दी है। आपको बता दें कि 21 अगस्त रात 12 बजे से 22 अगस्त रात 12 बजे तक सभी महिलाओं को राज्य सरकार के परिवहन विभाग की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। तो भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक ये त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है और फ्री बस सेवा की एक बड़ी सौगात राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। कल रात 12 बजे से आज रात 12 बजे तक महिलाएं बसों में फ्री सफर कर सकेंगी। लेकिन कोरोना के दौर में जिस तरीके से लोगों ने परेशानियां झेली और पिछले 2 साल से जो कोरोना का कठिन वक्त रहा उसमें लोगों ने अधिकतर ऑनलाइन ही त्योहार को मनाया, लेकिन इस बार क्योंकि रविवार को भी अब अनलॉक कर दिया गया है, ऐसे में लंबे वक्त के बाद अब बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकेंगी। एक बड़ी सौगात के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है क्योंकि अभी तक कई तरीके के नियम बनाए गए थे रविवार के लिए भी, लेकिन उसे फिलहाल अब छूट दे दी गई है, अनलॉक कर दिया गया है रविवार को भी। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अयोध्या का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनमीत इस वक्त जुड़ गए हैं। मनमीत, क्योंकि आज रक्षाबंधन का पर्व है, किस तरीके की रौनक अयोध्या में नजर आ रही है और इस बार तो एक बड़ी सौगात भी दी गई है राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं को फ्री बस सेवा। ये निश्चित रूप से देखिए ये एक बड़ी सौगात है उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए है जो अपने भाई को राखी बांधने के लिए उनको दूर जाना होता है, वो आज फ्री बस सेवा के माध्यम से जो है वो अपने भाई के पास जा सकती हैं, दूर दराज जा सकती हैं, रक्षाबंधन का हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मना सकती हैं। तो ये एक बड़ी सौगात उन महिलाओं के लिए है और खासकर वो जो जिनके पास आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, उनको एक लंबा सफर तय करना है, उसके बारे में उनको सोचना पड़ता है, तो आज वो महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हैं। हमारी कई महिलाओं से ऐसी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम सोच रहे थे लेकिन जो स्थिति है उस आर्थिक स्थिति उस हिसाब से हमें जाने की स्थिति नहीं बन पा रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो महिलाओं के लिए जो फ्री बस सेवा आज के दिन रखी है तो उसका उनको बहुत लाभ मिल रहा है। तो ये एक अपने में बड़ी चीज है, एक बड़ी सौगात है उन बहनों के लिए जो बहन अपने भाई से मिलने के लिए एक दूर दराज जाना है, साधन उपलब्ध नहीं हो पाते, तो वो आज साधन उपलब्ध हुए हैं, वो बस उपलब्ध हुए हैं, तो इस चीज को लेकर महिलाओं में बहुत खुशी है। अयोध्या के अंदर इस समय जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ जो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है, हर घरों में इस समय जो है सुमुहूर्त के अनुसार जो है वो रक्षाबंधन मनाया जाएगा। बहुत ऐसे लोग हैं कि जो दूर दराज से यहाँ पे आए हैं अपने भाई से मिलने के लिए यहाँ पे रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए, और विभिन्न तरीके की राखियों को लेकर जो है वो आए हुए हैं। इसके साथ साथ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इस समय जो है रक्षाबंधन भगवान श्री राम के साथ भी बहुत सारे लोग मना रहे हैं, रामलला के दरबार में बहुत सारी राखियां इस समय आई हुई हैं और मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से जिस तरीके से हमारी बात हुई उन्होंने बताया है कि कई ऐसी राखियां आई हैं, दूर दराज से राखियां आई हैं जो रामलला को बांधने के लिए। बिल्कुल, आप बने रहिएगा मनमीत हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। और प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त गुफरान भी जुड़ गए हैं। गुफरान, क्योंकि साल भर में यही एक मौका ऐसा होता है कि भले ही भाई बहनों से कितने दूर हो या फिर बहने भाइयों से कितने दूर हो, लेकिन पर्व को मनाने के लिए दूर दूर से चले आते हैं और जब खास मौका हो तो ऐसे में सौगात भी मिल गई है महिलाओं को फ्री बस सेवा आज। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर योगी सरकार ने ये बड़ी पहल, हालांकि पिछले 2 सालों से ये देखा जा रहा है कि लगातार खास करके रक्षाबंधन पर्व को लेकर के सरकार ने जो रियायतें दी हैं, इस बार में अगर देखा जाए तो बसों को लेकर के भी सरकार ने साफ कर दिया है कि रात 12 बजे से लेकर के रविवार की जो रात है मतलब 24 घंटे बस सेवा जो है वो पूरी तरीके से महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में फ्री रहेगी, वो चाहे बिल्कुल। तो फ्री बस सेवा की शुरुआत की गई है। गुफरान, आप बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। मनमीत के पास एक बार फिर से चलते हैं। मनमीत, भले ही हम ये कहें कि एक
कठिन दौर भी हमने देखा, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं और इसी वजह से इस बार त्योहार को मनाने का जो तरीका है वो भी बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो आज से यूपी पूरी तरह से अनलॉक हो गया है और यूपी में लगातार कोरोना केस में आ रही कमी को देखते हुए यूपी सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू आज से खत्म कर दिया है। एसीएस होम अवनीश कुमार अवस्थी ने इससे जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया है। आज रक्षाबंधन पर दी गई इस छूट से जाहिर तौर पर लोगों के लिए काफी राहत कह सकते हैं। तो यूपी में आज से खत्म कर दिया गया है वीकेंड कर्फ्यू। कोरोना केस में लगातार आ रही कमी के चलते ये फैसला लिया गया है। एसीएस होम अवनीश कुमार अवस्थी ने इसको लेकर आदेश भी जारी किया।